जय गंगे मैया। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हरिद्वार हर की पौड़ी से। आज 28 अक्टूबर का दिन है और दोपहर के लगभग 1 बजे हैं और ताज़ा दृश्य देख सकते हैं, मैक्सिमम घाट खाली पड़े हुए हैं देखिए। और मैं आपको आज की ताज़ा अपडेट दूंगा 28 अक्टूबर के दिन हरिद्वार ऋषि के इस चारधाम यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और ताज़ा अपडेट देने वाला हूँ कि गंगा जल कब छोड़ा जाएगा और कितना काम बाकी है, कितना काम हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो चल रहा है और काफ़ी भव्य और आलीशान मंदिर बनने वाला है। देख सकते हैं जो मजदूर हैं वो लगातार लगे हुए हैं। अभी हम आपको आगे लेके चलेंगे और मुख्य ब्रह्मकुंड घाट होते हुए नाई घाट पर लेके चलेंगे, पूरे दृश्य दिखाएंगे, ताज़ा अपडेट देंगे, हरिद्वार की अपडेट देने वाले हैं, मौसम की अपडेट देने वाले हैं। अभी आप दृश्य देखें बड़ी गंगा के, तो बड़ी गंगा में बिल्कुल भी जल नहीं देखने के लिए मिल रहा है। बाकी ब्रह्मकुंड पर देखेंगे तो ब्रह्मकुंड पर अच्छी खासी मात्रा में जल देखने के लिए मिल रहा है। सभी श्रद्धालु आराम से स्नान कर रहे हैं और दोपहर का समय हो रहा है। देखिए धूप काफ़ी तेज़ निकली है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें हरिद्वार ऋषिकेश की तो दोस्तों सुबह शाम ठीक ठाक ठंड पड़ रही है, रात को भी अच्छी खासी ठंड देखने के लिए मिल रही है, लेकिन दोपहर को धूप निकलती है तो जो ठंड है थोड़ी सी कम महसूस होती है। तो ऐसे कुछ हालात हैं मौसम के हरिद्वार ऋषिकेश के। और बाकी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो वहाँ पर भयंकर ठंड पड़ रही है। अगर आप चारधाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े अपने साथ लेकर जाएं। और देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों भी आप दृश्य देख सकते हैं मुख्य घंटाघर चौक के, बहुत कम श्रद्धालु मुख्य घंटाघर चौक पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं उनको ठीक ठाक जल मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर हल्का सा गड्ढा सा है और ठीक ठाक जल इनको मिल रहा है, आराम से स्नान कर रहे हैं। अगर आप भी हरिद्वार यात्रा पर आ रहे हैं तो मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर आ सकते हैं स्नान करने के लिए, आपको अच्छा खासा जल मिल जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको चंडी घाट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मुख्य घंटाघर चौक पर, बने रहना दोस्तों वीडियो में, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट में जय गंगे मैया हर हर महादेव लिख दें। देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच रहे हैं पंतदीप क्षेत्र में। देखिए इस साइड में आप देखेंगे तो श्रद्धालुओं की भीड़ जो है बहुत कम है। देखिए पूरा पंतदीप क्षेत्र जो है खाली पड़ा हुआ है और देखिए पूरा ब्रिज भी ये खाली पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए ये है पंतदीप क्षेत्र, ये है जो लोहे वाला ब्रिज है तो ये भी पंतदीप क्षेत्र में आता है। इसके नीचे हम देखेंगे एक नेट लगाया हुआ है जिसकी वजह से देखिए पूरा साफ गंगा जल मुख्य ब्रह्मकुंड पर आ रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी पहल है, माँ गंगा को साफ और निर्मल बनाने के लिए। बने रहना दोस्तों वीडियो में, मैं आपको और आगे लेके चल रहा हूँ। अभी यहाँ से एक बार आप दृश्य देखेंगे मुख्य ब्रह्मकुंड के, देखिए यहाँ से आप पूरे दृश्य देख सकते हैं। आगे की साइड में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कम गंगा जल मिलेगा, बाकी इस साइड में आएंगे तो आपको भरपूर गंगा जल मिलेगा, आप आराम से स्नान कर सकते हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से बड़ी गंगा के दृश्य दिखाऊंगा। दोस्तों ये ताज़ा दृश्य हैं 28 अक्टूबर के दिन के, बिल्कुल ताज़ा वीडियो है। देखिए दोस्तों ये पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ से पूरा खाली पड़ा हुआ है और अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं बड़ी गंगा के तो बड़ी गंगा में आपको बिल्कुल भी जल नज़र नहीं आएगा। देखिए ऐसे कुछ दृश्य होकर रखे हुए हैं और ये दृश्य आपको मुश्किल से 2 दिन और देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि आज 28 तारीख होगी, कल धनतेरस है, परसों दिवाली है, शायद परसों जल छोड़ दिया जाए या फिर 31 तारीख को पूरा जल छोड़ दिया जाएगा। और आगे लेके चल रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर जितनी गंदगी थी पूरी साफ़ सफाई कर ली गई है, काफ़ी अच्छी पहल की गई है, जितने वॉलंटियर्स यहाँ पर आए हुए थे, वॉलंटियर्स ग्रुप आए हुए थे उन्होंने पूरी साफ़ सफाई यहाँ पर कर दी गई है। दोस्तों अभी आप प्लेटफॉर्म के ताज़े दृश्य देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म मैक्सिमम खाली पड़ा हुआ है। आज श्रद्धालुओं की जो क्राउड है ना कल से बहुत कम है, कल संडे था, संडे क्राउड था, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन आज क्राउड एकदम से कम हो गया है और धीरे धीरे ये क्राउड बहुत कम हो जाएगा क्योंकि दिवाली पर जो क्राउड बहुत कम रहता है क्योंकि बाहर के श्रद्धालु बहुत कम पहुँचते हैं, लोकल क्राउड यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्योंकि ज़्यादातर श्रद्धालु होते हैं वो दिवाली अपने घर ही सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मुख्य ब्रह्मकुंड घाट की साइड में, बने रहना दोस्तों वीडियो में, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कमेंट में जय गंगे मैया हर हर महादेव लिख दें। और आज तीर्थ पुरोहितों के पास बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि दिवाली का समय आ रहा है, होली दिवाली पितरों के लिए विशेष पूजा कराने का अलग ही महत्व है। और देखिए यहाँ पर भी देखिए
पितरों के लिए विशेष पूजा की जा रही है। और देखिए हर जगह आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे जो विशेष पूजा कराने के लिए पहुंचे हैं। देखिए इस स्थान पर आप देखेंगे यहाँ पर भी काफ़ी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको चंडी घाट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आपको सिर्फ परेशानी परेशानी होगी। आप इतने जल में आराम से स्नान कर सकते हैं मुख्य ब्रह्मकुंड पर, और यहाँ पर स्नान करने का पौराणिक महत्व भी है। और अगर आप हरिद्वार की यात्रा पर आए, अगर आपने ब्रह्मकुंड पर स्नान नहीं किया तो आपकी यात्रा लगभग अधूरी है। तो देखिए यह सामने का जो घाट है यह है मुख्य ब्रह्मकुंड घाट। देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ भी स्नान कर रहे हैं। बने रहना दोस्तों वीडियो में, मैं अभी और आपको और आगे लेके चल रहा हूँ। देखिए इस साइड में श्रद्धालु की बहुत कम भीड़ है, आज 28 अक्टूबर का दिन है तो देखिए बहुत कम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कल और क्राउड बहुत कम हो जाएगा क्योंकि कल धनतेरस का त्यौहार है और श्रद्धालु बहुत कम हो जाएंगे यहाँ पर। मार्केट में रौनक देखने के लिए मिलेगी, लोकल क्राउड देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर आप एक दृश्य अस्थि प्रवाह घाट है उस पर डालें तो देखिए आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु पितरों के लिए विशेष पूजा अस्थि विसर्जन पिंडदान कराते हुए नजर आ जाएंगे। और पितरों के लिए विशेष पूजा कराने का अभी बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि दिवाली आ रही है, त्योहारी सीजन स्टार्ट हो चुका है। अभी और आगे लेके चल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य ब्रह्मकुंड पर जो जल रुकता है इस बांध के द्वारा रुकता है, देखिए इसकी वजह से ठीक ठाक जल देखने के लिए मिल जाता है मुख्य ब्रह्मकुंड पर। हालांकि सुबह शाम दो दो घंटे गंगा जल छोड़ा जाता है, बहता हुआ गंगा जल आपको मिल जाता है। अगर आप मुख्य ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं सुबह आइए या फिर शाम आइए, आपको 9 बजे तक, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, शाम को 4 बजे तक, 4 बजे से 8 बजे तक भरपूर गंगा जल मिल जाता है। आप आराम से स्नान कर सकते हैं, विशेष पूजा करा सकते हैं, जो भी आपको काम कराना है करा सकते हैं। हालांकि पूरे दिन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे दोपहर का समय हो रहा है, अच्छा खासा जल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों अभी आप मुख्य नाई घाट से माँ गंगा के ताज़े दृश्य देख रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुँचे हुए हैं जो अपने पितरों के लिए विशेष पूजा करा रहे हैं नाई घाट पर। और प्लेटफॉर्म लगभग खाली पड़ा हुआ है, नॉर्मल श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। आज देखा जाए ना नाई घाट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, श्रद्धालु बड़े आराम से स्नान कर रहे हैं। बाकी ब्रह्मकुंड पर भी आप स्नान कर सकते हैं। ऊपर के दृश्य देखेंगे, संजा ब्रिज है, मैक्सिमम खाली पड़ा हुआ है और त्योहारी सीजन है तो जो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई है। और ये धनुष सेतु आप देख रहे हैं, मैं इधर भी आपको दृश्य दिखा देता हूँ। धनुष सेतु के सामने आप देखेंगे तो माँ गंगा बिल्कुल सूखी हुई पड़ी है, आपको नज़र आएंगे तो सिर्फ बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर नज़र आएंगे। देखिए इस साइड में कोई श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, लेकिन कुछ महिलाएं पहुंच रही हैं जो पत्थर खोज रही हैं अपने घर ले जाने के लिए। और अगर आप धनुष सेतु से जाते हैं तो आप हाईवे की साइड में पहुंच जाएंगे, अगर आप शिव सेतु से जाते हैं उससे भी आप हाईवे की साइड में पहुंच जाएंगे। सामने वाला सेतु जो है शिव सेतु है। ऐसे कुछ दृश्य हैं नाई घाट के। दोस्तों अगर चारधाम यात्रा के बारे में आपको जानकारी दूँ तो चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चारधाम की यात्रा पर जा सकते हैं। बात करूं रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोलूं आपके पास आधार कार्ड है तो आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, सिर्फ आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, आप आराम से चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। चारधाम की यात्रा अभी 5 से 6 दिन बची हुई है, बाकी बद्रीनाथ के पार्ट 17 नवंबर को बंद होंगे और गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ का पार्ट 2-3 नवंबर को बंद हो जाएंगे। अगर आप चारधाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ। तो ऐसी कुछ अपडेट है चारधाम यात्रा की। बाकी इस एरिया में देखिए आप दो बड़ी बड़ी जेसीबी यहाँ पर चल रही हैं, देख सकते हैं आप। और जो सुभाष घाट के सामने का एरिया पूरा क्लीन करने की कोशिश की जा रही है और ये पूरा हटा लिया जाएगा क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है, मुश्किल से 2 दिन बचे हुए हैं और 2 दिन के बाद गंगा मैया यहाँ पर आ जाएगी, पूरा जल छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में जल्दी से जल्दी जो क्लीनिंग है वो कर ली जाएगी। तो दोस्तों ऐसे हैं कुछ दृश्य 28 अक्टूबर के दिन। इन्हीं ताज़ा अपडेट और ताज़े दृश्यों के साथ ही आज के इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।